नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया घर भाई, सामान उतार लो। क्या काजल, कब से चिल्ला रहा हूँ? गोल बचा, गोल बचा, ध्यान किधर है तेरा? इसको तो बस हवाई जहाज दिखाई देना चाहिए, सारी दुनिया भूलकर आसमान में पहुंच जाए। बेकार में गोल करवा लिया। कैसा गोल है? गोल नहीं माना जाएगा, मैंने टाइम प्लीज बोला था। तुमने कब कहा? मैंने तो सुना ही नहीं। तुम्हें सुनाई नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। मैं तेल डाल के, मैं नहीं खेलती तुम्हारे साथ। अरे सियापा, कोई हाल तो देखो इस लड़की के। अरे ये हॉकी फुटबॉल क्या लड़कियों के खेलने के खेल होते हैं? क्या है आजकल, लड़का और लड़की में कोई फर्क ही नहीं है, है ना बीजी? बीजी मम्मी पापा कहाँ है? तेरे मम्मी पापा साथ वाली कोठी गए हैं, कोई प्रोफेसर साहब आए हैं उन्हीं के लिए चाय नाश्ता लेकर गए हैं। आपका एक ही बेटा है? नहीं, देवर है मेरा। अच्छा। आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मैं रोहित साहब, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मेरा तो बस इतना रिश्ता है कि कॉलेज के कैंपस में जो कैफेटेरिया है वो मेरा है। ओ। बस यूँ समझिए कि स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने आते हैं और मेरे पास चाय नाश्ता करना। यानी कि हम लोगों से स्टूडेंट्स टेंशन लेकर जाते हैं और आपके यहाँ आकर रिलैक्स हो जाते हैं। मेरी बेटी काजल। हेलो बेटे। बेटा आंटी को हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आजा आजा आजा। बड़ी प्यारी बच्ची है, किस क्लास में पढ़ती हो? 6th स्टैंडर्ड। अच्छा, हाय, आई एम काजल। तुम्हारा कोई नाम वाम नहीं है क्या? राज। ठीक है, नहीं नहीं अच्छा नाम है राज, वेरी गुड। मुझसे दोस्ती करोगे राज? मतलब मेरी दोस्ती किसके साथ ज्यादा दिन चलती नहीं है, सब मुझे कुछ ही दिन में फिर से अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं खेल नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं सकता। मैं
औरों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आओ मैं तुम्हें प्लेन उड़ाना सिखाता हूँ। काश मैं इस प्लेन में बैठ सकती। दत्त ये तो इतना छोटा सा प्लेन है। तुम्हें बड़ा प्लेन उड़ाना नहीं आता? अब मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी बड़ा प्लेन उड़ाऊंगा। तब तो मुझे अपने प्लेन में बिठाओगे? जरूर बिठाऊंगा। फ्रेंड्स प्रॉमिस? फ्रेंड्स प्रॉमिस। ये जीआईजो ने बनाया खाना जी, जरा मजे ले लेके खाना जी। भाई वाकई इतना सारा खाना देखकर लगता है इन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है आज। तकलीफ? वो कैसी तकलीफ जी, अपनों के लिए खाना बनाना कोई तकलीफ वाली बात है? मैं अपनी बीवी के लिए नहीं बनाता हूँ क्या? आप अपनी बीवी के लिए खाना बनाते हैं? मैं नहीं बनाऊँ तो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आपकी बीवी खाना बनाना नहीं जानती? नहीं जानती है, जो सिर्फ फिल्म देखने जानती है, एवरी संडे फिल्म देखने जाती है, एवरी संडे। आप नहीं जाते उसके साथ? मैं नहीं जाता जी, वो मेरे पड़ोस में एक रामदास है ना, उसके साथ जाती है वो। क्या बात कर रहे हो यार? बात क्या कर रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, मैंने देखा अपनी आंखों से। कल मैंने पीछा किया, नुक्कड़ पे देखा रामदास खड़ा हुआ था। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने क्या करना था जी, करना तो उनको था, दोनों एक दूसरे को देखे मुस्कुराए। फिर मैं भी उनके पीछे निकल गया। और क्या, फिर वो लोग गए थिएटर में, मोती थिएटर में गए, ब्लैक टिकट ली, घुस गए। मैं क्या छोड़ू, मैं भी घुस गया, ब्लैक टिकट लेके पीछे वाली सीट पे जाके यूं बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर तो मेरा मूड खराब हो गया, सत्यानाश हो गया मेरे मूड का। क्यों? अरे पिक्चर देखी हुई थी मेरी प्राइड को। बंडल पिक्चर, सड़ी हुई पिक्चर। मैंने उनको बताया नहीं, मैंने कहा सड़ो सड़ो। यार जो तुम कमाल हो यार। कमाल क्या है जी, बात 3 घंटे की, जिंदगी 4 दिन की है जी। सही। कैसी बनाई रे पतनी से भगवान, कैसी बनाई रे पतनी। रामदास जी थिएटर में घुसक है, रामदास जी थिएटर में घुसक है, हम तो रह गए भैया पिछे तेरे चट्टान। जी है जो भी कमाल है। राज के पैर को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस एक एक्सीडेंट में उसके घुटने में चोट लग गई थी। हमने तो बहुत इलाज कराया, पर उसके मन में ये वहम बैठ गया कि वो जब भी खड़ा होगा तो फिर गिर जाएगा, इसीलिए बगैर ब्रेसेस के अभी तक चल नहीं पाता। वैसे डॉक्टर्स का कहना है उसने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लूज किया। जिस दिन उसका कॉन्फिडेंस लौट आएगा ना, वो फिर दूसरे बच्चों की तरह खेलने कूदने लगेगा। लेकिन इस उम्मीद उम्मीद में 2 साल निकल गए। फिक्र ना करो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय। स्लीप टाइट, स्वीट ड्रीम्स। यू टू, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। मजा आ गया आपकी बात में। हाथ छोड़ दे बेटा, तो हाथ आ जाएगा हाथ में। बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय। सिग्नल बंद कर, ट्रेन चली गई। आ जा आ जा आ जा। या 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 या, अरे कहाँ जा रही है मेरी तूफान मेल? राज को स्केटिंग सिखाने जा रही हूँ अंकल। अरे वो बेचारा स्केटिंग कहाँ से कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अंधा पिक्चर देख सकता है? नहीं। गुंगा गा सकता है? नहीं। बहरा सुन सकता है? नहीं। मैं हीरो की तरह गाड़ी लेके यहाँ वहाँ कर सकता हूँ? नहीं। तो राज स्केटिंग कैसे कर सकता है? राज स्केटिंग कर सकता है, समझे? अबे रामदास। गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। आंटी राज उठ गया? हाँ, क्यों? मुझे स्टूपिड को स्केटिंग सिखाना है। अरे बच्चे, आप तो जानती हैं कि वो स्केटिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अभी मैं जीआईजो के साथ में बहस करके आई हूँ, अभी आपके साथ भी करना पड़ेगा। मुझे कोई वजह बताइए, वो स्केटिंग क्यों नहीं कर सकता? आई कांट अंडरस्टैंड यू पीपल। नहीं मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं देखो काजल, मुझे स्केटिंग करना नहीं आता। मैं सिखा रही हूँ ना, मगर मैं गिर जाऊंगा। गिरने की डर से क्या तुम चलना छोड़ दोगे? बट काजल, आओ मेरा हाथ पकड़ो। अरे काजल काजल काजल, सुन तो, ये लंगड़े घोड़े रेस नहीं जीता करते। टांग तो टूटी हुई है, अब हाथ भी टूट जाएगा बेचारे का। पहले तो सारी फूट जाएगा बेचारे का। फटाक, अगर राज तुम सबको हरा के नंबर 1 नहीं हुआ तो मेरा नाम काजल नहीं। कमॉन राज, यू कैन डू इट। कमॉन राज, गेट अप। Come on Raj, you have to beat them. Come on Raj. Come on Raj, you have to do it. Come on Raj, get up. Come on Raj, you can do it. Raj, you can do it Raj. You have to do it Raj. Come on Raj, get up, get up. Tumhe meri dosti ki kasam. Come on Raj, get up. Raj, you have to do it. Come on, get up for me.
का टाइम चल रहा है। सेंट जॉन्स के विनय तेजी से स्प्रिंग गेम्स की कोटि में बढ़ रहे हैं। विनय की गोलदार की कोटि राज को बहुत रोका। ब्रिलियंट स्टॉप बाय राज। ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा टाइम में गोल जरूर अप्लाई होगा। यहां की जो टीम पहले गोल करेगी वो जीत जाएगी। राज तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। Congratulations, Raj. आप अपने साथियों से कुछ कहना चाहेंगे? Please, please say something. काजल, can I have you on stage, please? मैं नहीं आने वाली. नहीं. Raj. दोस्तों, अगर आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, तो अपने इस दोस्त की वजह से. वरना भागना तो दूर की बात, मैं इन पैरों पे खड़ा भी नहीं रह सकता था, क्योंकि इससे मुझ पर विश्वास था और मुझे इसके विश्वास पर विश्वास था. मुझे आज भी वो दिन याद है जब इसने मुझसे कहा था कि राज भाग भाग राज. वो दिन है और आज का दिन ये मुझे भगाती चली आ रही है. चाहे प्यार से हो या डांट के. इसलिए मुझसे ज्यादा इस ट्रॉफी पर हक काजल का है. काजल, थैंक यू राज. हैंग ऑन, ये राज जो है बिल्कुल पागल है. पता है क्यों? यहाँ लोग दूसरों का हक भी मार लिया करते हैं और ये स्टुपिड अपना हक दूसरों को दे दिया करता है. आज का दिन पूरी तरह इसकी जीत का दिन है और फिर भी वो जबरदस्ती मेरे साथ बांटने पे तुला हुआ है. दिस इज द वन थिंग आई हेयर अबाउट दिस मैन एंड द वन थिंग आई लव अबाउट हिम. And that's why he's my best friend. भगवान ऐसा दोस्त हर किसी को दे. I'm so proud of him. Let's go. Ah, see me!
उसका दीवाना है, इश्क है क्या अब जाना है, पे करूंगा मैं जान सा है मेरे दिल को एतबार, उस पे करूंगा मैं जान सा है मेरे दिल को एतबार। आपके 11,000 नहीं 6,000 रुपए बनते हैं बस। साहब साहब मेरी मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, घर जाके हिसाब चेक कीजिए, जाइए प्लीज। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने काजल को देखा है? मैंने नहीं देखा, मैं सुबह से अपनी टेंशन में हूँ। जी आई जो ने देखा होगा। जी आई जो। ओके अंकल। अरे यार ये कटलेट क्यों भेज दिया, मेरा ऑमलेट क्या हुआ? मैं हाय जी आई जो, जल्दी भेजो। मैं टेंशन में हूँ, इस लड़के ने मुझसे ऑमलेट मांगा, मैं तो कटलेट भिजवाया, मैं अपनी टेंशन में हूँ। आपने काजल को देखा है? निकल गई सुबह सुबह वो, निकल गई। अरे कहाँ गई काजल? काजल ने, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ भाई, निकल गई सुबह सुबह वो, और मुझे पता है वो कहाँ चली गई है, रामदास के साथ पिक्चर देखने गई होगी। इस केस की तैसी सुबह सुबह मॉर्निंग शो होता है ना सुबह सुबह, एक तो मैं अपनी बीवी के टेंशन में हूँ। तो आप अपनी बीवी को समझाते क्यों नहीं हो? वो औरों के साथ क्यों जाती है पिक्चर देखने, अपने पति के साथ क्यों नहीं जाती? तुम्हें क्या लगता मैं समझाता नहीं? ये औरतें समझती है क्या? उसकी भी क्या गलती है बेचारे की यार, फिल्में ऐसी बन रही है, पति के साथ बैठ के देखने लायक कोई फिल्म बन रही है आजकल? लो ये हंस रहे हैं, मैं टेंशन में हूं एंड ही इज लाफिंग। क्या चाहता है आप मुझसे? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने काजल को देखा? और नहीं देखा तो मेरा दिमाग मत खराब करो। काजल तो कॉलेज में गई है, बहुत टेंशन में थी, कॉलेज में गई है। करेक्ट। संडे को कौन सा कॉलेज खुला होता है? देखो भाई टेंशन वालों के लिए संडे वनडे कुछ नहीं है, कॉलेज बंद है तो लाइब्रेरी में हो सकती है, आज में टेंशन में बैठा किताब पढ़ सकता है, कमाल है, चला गया टेंशन में। टेंशन का मतलब नहीं समझते, इंसान टेंशन में किसी का मर्डर कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, जेल जा सकता है, फांसी के फंदे पे चढ़ सकता है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? शट अप, जाके अपना काम करो। आप निकलेंगे तो करूंगा ना, देश का तो ये दुर्भाग्य है किसी की जगह पे कोई और आके खड़ा हो जाता है। मेरे तो ऑमलेट यार। अरे मेरे बाप, ऑमलेट के लिए मुर्गी मुर्गे को पटाना पड़ता है, उसको तोड़ के मसाले में जुटाना पड़ता है, तवे पे लिटाना पड़ता है। अब मैं तेरे को लिटाऊंगा क्या? बैठ। व्हाट इज दिस यार? एक तो किचन से आएगा ना सलाद, टेंशन दे क्या? अबे ऑमलेट। मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। देखो तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुला लिया। धोखा कहो या फ्रेम कहो, जो चाहो कह लो, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज होता है। आज कौन बचाएगा?
छोड़ो। इसकी हिम्मत कैसे तुम्हें छूने की? भागने का मन चौके ये जो कर रहा था तुम्हारे साथ वो ठीक है लेकिन वो कर क्या रहा है? रुक, कहाँ जा रहा है? ओह माय गॉड, बेल्ट भी नहीं पहन के आते। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार। इस साले को राजी क्या कर रहे हो? वो मर जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अकेले में छूने की? अकेली का हूँ, बाकी सब तो है। हाँ सब। ये कब आए? तुम इसे मेरे साथ है। ये सब कब आए? शिट यार, इसने तो सत्यानाश कर दिया हमारे प्ले की रिहर्सल का। डोल, ये कौन डोल रहा है? मार डाला, ओ मार डाला। ओए कमल, ठीक है तू? ठीक। अरे ठीक तो है ना? ठीक हूँ। अरे क्या ठीक है? ठीक से ठीक नहीं बोल पा रहा। कहता ठीक है ना, तू ठीक है ना, मैं ठीक हूँ, कोई ठीक नहीं है। क्या मेकअप लगाया यार, बड़ी चिकटी गिर रहा है। मार डाला पापा। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था नाटक की रिहर्सल हो रही है। झगड़ा कर रहे हैं। काजल मेरी बात तो सुनो, पागल हो गई हो तुम? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या ये ठीक है? क्या हुआ काजल, मिल गए क्या? मिल गई, रिहर्सल कर रही थी। सुनो तो फोड़ दिया रे। इधर आबे गोरे, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो रिहर्सल कर रही है? बताया तो था कि वो टेंशन में। तो टेंशन और रिहर्सल का क्या ताल्लुक होता है? अरे चार दिन के बाद शो है, नाटक का कोई पता नहीं है, और हीरो को तूने कुत्ते की तरह मार दिया है, तो टेंशन में नहीं आएगी? टेंशन में आ गई ना, ठंडा पिलाओ क्या? ए मेरे से ऑमलेट यार। तेरे को मैंने कॉलेज से निकाल दिया, जाओ। एक काम करते हैं, हाँ। जब उसको टेंशन होती है ना तो उसको बहुत भूख लगती है, तू एक काम कर, खाएगी तो टेंशन दूर हो जाएगी। तू ये समोसे ले जा, और ये पेस्ट्री ले जा, और ये मैं नूडल्स भी डाल देता हूँ। पता नहीं कि मैंने हाथ से डाले, खाम खाम गुस्से हो जाएगी, तू तो जानता है उसका गुस्सा। अब क्या हुआ, अब कौन सी टेंशन है तुम्हें? अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि इन औरतों का मूड तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई, किसी को टेंशन में भूख लगती है, भूख पर टेंशन लगती है। मेरी औरत का एक बात बताऊं मैं? अरे एक बार नूडल्स देने के, बस 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 कर, जाओ मैं ले जा। चल मैं इस डायलॉग बोल, चाहे धोखा कहो चाहे फरेब कहो। मधु क्या कर रहा है तू? डांस कर रहा है कि डायलॉग बोल रहा है? डायलॉग बोल रहा हूँ। चल भाग, डांसर की औलाद। चल तपन, तू ट्राई कर। हाँ। फिरी क्यों दे इसको? तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया है। धोखा कहो फरेब कहो चाहे जो कुछ भी कह लो, सेब कहो अंगूर कहो चाहे जो कह लो। तपन ये लाइन डायलॉग में है क्या? नहीं ये मेरी अपनी है, ओरिजिनल। ओरिजिनल? तेरे गुस्से में पावर नहीं है, कुछ खा ले, एनर्जी मिलेगी और गुस्सा आएगा। रोमी चलो, फिरी क्यों दे फटाफट? तुमने धोखे से मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन प्यार और जंग में सब बाजी में मधु। अरे एक्टिंग इनके बस का रोग नहीं है, मुझे चांस दो, मैं हीरो लगता नहीं हूँ, ऐसे एक्टिंग करूंगा कि ये भी देखते रह जाएंगे। हंस रहा है तू? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? मैंने देखा तू हंस रहा था। अरे नहीं हंसा भाई। पक्का? पक्का। अच्छा कुछ बात बनी? कहाँ से बनेगी बात, कुछ दिखा दे रहा ना, फिर पूछ रहा बात बनी है? ऐसे बनती है बात क्या? अब मैं क्या करूं? जान माल इज्जत की सलामती चाहता है तो पतली गली से निकल ले। मैं भी यही सोच रहा हूं। सोच मत, इससे पहले कि काजल आ जाए टूरी होले ये शहर छोड़ के टूर पे निकल ले। अरे ऑमलेट तो मिला नहीं, और क्या है तेरे मेनू में? मेनू में दिखाई नहीं दे रहा मेनू में? ये नमक मिर्च ले,
और मेरे को चाट, चाट ले मेरे को, आजा, आजा, अरे अरे चाट क्या कर रहा यार, चाट छोड़े। He messed up my play, समझता क्या है अपने आपको, चला। भाभी राज कहाँ है? हाँ, वो तो सो रहा है। सो रहा है? खैर अभी देखती हूँ। अरे, अच्छा, stupid, आराम से सो रहा है हाँ? क्या बात है? क्यों मार रही हो? पागल तो नहीं होगी तुम? हमेशा मारती रहती हो। मेरी नींद उड़ा के तू चैन की नींद सो रहा है? तूने मेरे हीरो को मारा था ना? अरे लेकिन मैंने गलती हो गई, मैंने जो मारा। मार मार के तेरा हीरो बना दूंगी मैं। बैठ है वो लग जाएगा। बहुत शौक है ना मारने का? अब तू उसकी जगह एक्टिंग करेगा। अरे मेरे बाप दादा ने कभी एक्टिंग नहीं की है। देख राज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे मेरे कपड़े भी नहीं पहने हुए। अभी पहनाती हूँ। चक्का लग गया चक्का। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाभी भाभी पागल है ये लड़की। प्यार और जंग में सब वाजिब होता है मधु। वैसे एक बात बताना, ये वाजिब कौन है? यार राज एक्टिंग मत करो। अरे कभी कहती हो कि एक्टिंग करो, कभी कहती हो कि मत करो। करूं तो क्या करूं? एक्टिंग मेरा मतलब है एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए जो रियल लगे। ये रियली थी यार स्वीटीज के लास्ट एक्ट के डायलॉग्स दे यार। ले यार पढ़ प्लीज पढ़। जोर से पढ़ो। ये सब तेरी वजह से हो रहा टुंडे। तुम मेरी थी, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ओफो चिल्लाओ मत। I mean, चिल्लाओ मत। राज अंदर से बोलो प्लीज, अंदर से। यार अभी तो बोला चिल्ला के बोलो, अभी बोलती हो अंदर से बोलो। तुम मेरी थी, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी डार्लिंग। राज क्या हुआ? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अंदर यानी कमरे के अंदर नहीं, स्टूपिड दिल के अंदर से। स्वीटीज को क्यों दे यार प्लीज। ले यार ले, वादा करो तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे। वादा क्यों? तो मेरा दिल निकाल के ही रख लो। अब वहां क्या पड़े हो? उठो उठो उठ जाओ। मुझे नहीं करना प्ले प्ले। यहाँ और तुम लोग सही ये लगाते भी नहीं हो। राज मैंने कहा यहाँ। बोलो। मेरा हाथ पकड़ो। मेरी आंखों में डूब कर देखो। मैं वही हूं जिसे तुम जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए तुम्हें मौत भी हंसकर कबूल है। वही हूं मैं, इसे महसूस करो। फील इट राज, कम ऑन राज। और अब अपने डायलॉग्स बोलो। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। ऐ मोहब्बत के फरिश्ते, तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी? पतंगे की क्या कुर्बानी, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि वो मरने से पहले उसे एक बार अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हो वो होठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है।
हमेशा तुम्हारी बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी ओ तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। लेकिन अब बात हुआ प्रिय, मेरे जाने का वक्त आ गया है, मुझे रोकना मत। तब तक के लिए नहीं, रुक जाओ। अलविदा मेरी जान। नहीं। अलविदा मेरी जान। अलविदा। नहीं। अलविदा। चलो दूध पियो। नहीं चाचू। ताकत कैसे आएगी? और नहीं। मम्मी को तंग करती रहती हो। ये तुम्हारे लिए एयरफोर्स से कॉल लेटर कब आया? सुबह ही आया भैया। कमाल है भाई, तुमने कब तय किया, कब एप्लीकेशन भर दी, हम लोगों को बताया तक नहीं, और ये अचानक एयरफोर्स ज्वाइन करने का फैसला कैसे कर लिया? भैया अचानक कहाँ किया है, आपको तो पता है मुझे बचपन से शौक है एयरफोर्स में जाने का। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे एतराज हो सकता है क्या? तू वहाँ जाएगा और पहुँच कर मुझे फोन करेगा। यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू भैया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ ओके भैया, कॉलेज आ रहा हूँ। बाय बाय। क्यों रे, किसका सपना पूरा करने जा रहा है तू, अपना या किसी और का? और किसका भाभी? काजल का। और किसका? वैसे तूने उसे कह तो दिया ना कि तू उसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। हाँ भाभी, एक बार कहा तो था। तू भी मुझसे शादी कर ले काजल। नेवा। क्यों? वो देख कितनी लकी लड़की है, उसका हस्बैंड एयरफोर्स में काम करता है, उसे रोज प्लेन में घुमाता होगा। तो मैं भी तुम्हें घुमाऊंगा ना बड़े होने के बाद। बड़े होने के बाद ही ये बात करना। चुपिर राज। राज तो फिर क्या जवाब दिया काजल ने? किस बात का भाभी? उफ़ो, मैं पूछ रही थी तूने उससे अपने दिल की बात कही या नहीं? अरे क्या बताऊं उसे अपने दिल की बात, सब कुछ तो पता है उसे,
मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, कब गुस्सा आता है, कब प्यार आता है, कब नींद आती है, सब कुछ तो पता उसे। बस भाभी सिर्फ प्रपोज करना बाकी है। और कब करेगा तू वो? करूंगा, जिस दिन मैं पायलट बन जाऊंगा उस दिन करूंगा। उसे अपने प्लेन में बिठा के 30,000 फीट ऊपर ले जाऊंगा, बादलों के बीच में। वहां जाके मैं उससे कहूंगा कि तुम मुझसे शादी करोगी काजल? हाँ भाई हाँ, क्यों, क्या कानाफूसी चल रही है? अरे कोई कानाफूसी नहीं। जरूर मेरे बारे में बात चल रही होगी। नहीं नहीं, मैं तो भाभी से कह रहा था कि आई डोंट केयर। जरा बाहर आ जा फटाफट, तुझसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ तुझसे, और वो भी प्राइवेट में। स्टूपिड, चलो। एक्सक्यूज मी भाभी, तू गिरता जा। चाचू का भी बस कमाल ही है, कहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ और ही है। चुप कर, ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा, मुझसे पूछे बगैर एफओस कैसे जॉइन कर लिया? काजल ये तो बचपन में ही तय हो गया था। फिर भी पूछना तो था। अच्छा तुमने पूछा था मुझे जब प्ले जॉइन किया? प्ले करने के लिए मुझे तुमसे दूर थोड़ा जाना था। कब लौटोगे? 1.5 साल बाद। 1.5 साल? नहीं नहीं, 3 महीने में वापस आ जाओ। 3 महीने में तो साइकिल चलाना नहीं सीखूं, प्लेन कहां से चलाऊंगा? ठीक है 4 महीना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 1.5 साल लगेंगे, 1 दिन भी कम नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी अकेली? क्या करोगी? क्या तुम मुझे मिस करोगी, चिट्ठी लिखोगी और थोड़ा बहुत रो भी दोगी? रोएगी मेरी जुत्ती। अच्छा सुन, जब तू प्लेन उड़ाना सीख लेगा ना तो मुझे एक फोन करेगा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। और तू कैंटीन के ऊपर से प्लेन उड़ाना ताकि मैं वेव कर सकूं, ठीक है? काजल ये प्लेन है, कोई पतंग नहीं है जो मैं कैंटीन से छत से उड़ाऊंगा। शट अप, प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। अब चले, चलो। सुनो। हाँ बोलो। अपना ख्याल रखना, खाना पीना भी वक्त पे करना, और इतनी भी मेहनत मत करना कि तुम कमजोर हो जाओ। और जल्दी से वापस लौट आना। ओके अभी तो मैं गया भी नहीं हूं, अभी से रोना शुरू। स्टूपिड। Hi officer. Hello. Can you check it please? Yeah. Raj Malhotra, Raj Malhotra, room number 18. Please sign here. तेरे मुहावरे बिना यार। Hey, new entrant? Yeah, that's right. Hi. Raj Malhotra. Rarak. Mandeep. Raj. Hi. Rocky. Raj. Room number 18. 18? Man, I'm your room partner. What are you saying? I'll show you. Come on. Mercator may be considered as an extreme case of a cone having an apex angle of 0 degrees to the value 1 on polar stereograph, which may be considered the other extremity. How was the flight? Yeah, it was okay. एक और, एक लड़का टीचर से कहता है, टीचर टीचर जो चीज मैंने नहीं की उस पे आप मुझे पनिश कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या चीज नहीं की आपने? होमवर्क नहीं की मैंने। राज, hey, राज, 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 राज को एयरफोर्स ज्वाइन किया अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। इतनी जल्दी प्लेन नहीं उड़ा सकता, समझे? अरे छोटा था जब से तब से प्लेन उड़ा रहा है। और नहीं तो क्या? और नहीं तो क्या? उसको सीखने को टाइम नहीं लगता। He's very intelligent। हाथ दिखा, चल। ए राज, ए राज, गुलाटी खाना, गुलाटी। ए, गुलाटी, गुलाटी एयरफोर्स में नहीं चलती। अरे अभी तो उसे जहाज के पास पटकने भी नहीं देंगे, समझे? ए, क्या?
क्या मतलब है तेरा? तू क्या जानता है राज के बारे में? राज के बारे में नहीं, लेकिन एयरफोर्स के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा? क्योंकि मेरे अंकल एयरफोर्स ऑफिसर है, समझी? इन्हीं हरकतों के कारण तू पिट गया उस दिन राज के हाथ, आज मेरे हाथों पिटेगा तू। जो भी यहाँ प्यार
वार करे ओ जो भी यहाँ प्यार करे जीना दुश्वार करे ओ भाभी लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। पिछले दो महीनों से मैं पागलों की तरह तुझे कांटेक्ट करने लगी हूँ। जवाब तक नहीं दिया। क्यों? क्यों कहाँ से जवाब देता? दो तीन महीने बेस में नहीं था। बेस में नहीं थे? कहाँ थे तुम? वो बॉर्डरलाइन पे उड़ान भर रहा था। एक्साइटिंग न खाया न पिया न किसी बात का होश। एक्साइटिंग। और जो जरूरी बात मुझे तुमसे करनी थी उसका क्या? वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो कहो बको। सबके सामने। You're right. चलो। अरे उसे कहाँ ले जा रही है? अभी अभी तो आया। कपड़े बदल ले रहे थे। कुछ खा भी नहीं। अभी इमरजेंसी है। तू चल अंदर मेरे साथ। अरे मेरी यूनिफॉर्म की टाई खराब। अरे यार ये बैट को संभालो। अब कहो क्या कहना था? पहले तुम कहो। नहीं पहले तुम। नहीं पहले तुम। राज मुझे लगता है हम दोनों ने एक ही बात बोली है। एक काम करो पहले तुम बोलो बिकॉज लेडीज फर्स्ट। कम ऑन। ओके लेकिन मेरी बात जरा लंबी है। ओके मैं सो जाता हूँ। सारी उम्र पड़ी है सोने के लिए। बोलो। अच्छा बहुत ही मजे की बात है और इतनी अजीब कि तुम्हें भी यकीन नहीं आएगा। अभी शिमला में हम लोगों ने शो किया था ना दो महीने पहले तभी की बात है। क्या हुआ कि द शो वाज अ ग्रेट सक्सेस और शो के बाद हम लोगों ने क्या नाचा गाया धूम धड़ाका मचाया और फिर जो मैं घोड़े बेच के सोई तो अगले दोपहर जब आंखें खुली मैंने देखा कि सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। वैन वालों ने सोचा मैं बस में हूँ। बस वालों ने सोचा मैं वैन में हूँ और इसी कंफ्यूजन में मैं वहीं रह गई। और यार उसी दिन अगला शो था मनाली में। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो समझ नहीं आया मैं क्या करूँ कि तभी मैंने देखा कि होटल के लॉन के सामने एक हेलीकॉप्टर रुका रहा है। Excuse me. Yes, ma'am. ये चॉपर किसका है? मिस्टर करण सिंघानिया का। हाँ क्यों? नहीं बस यूं ही। थैंक यू। हेलो कैप्टन। यस मेरा नाम काजल है। मैं आपकी बॉस की दोस्त हूँ मिस्टर करण सिंघानिया की। ओह प्लीज टू मीट यू मिस काजल। एक्चुअली करण और मैं साथ मनाली जाने वाले थे। मैं शो कर रही हूँ वहाँ पे। वो शो का चीफ गेस्ट है शायद आपको पता हो। जी हाँ। तो आप रुकने वाले हैं या? जी नहीं मैं दिल्ली जाने वाला। तो मनाली रास्ते में है आप मुझे छोड़ के चले जाइए। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे बॉस को मालूम पड़ा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। What rubbish? तुम उसकी फिक्र मत करो मैं करण से बात कर लूंगी। देखिए मिस काजल वो अरे उल्टा तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं करण से आपकी सिफारिश करूंगी। यू कुड गेट प्रमोटेड। ठीक है ठीक है। ओके सो आई ब्रिंग माय लगेज। वेट हियर। हां भागना मत। नहीं भागूंगा। और मजे की बात तो ये है कि मेरा ब्लफ काम कर गया और मैं हेलीकॉप्टर में बैठकर मनाली के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में क्या देखती हूँ कि वो पायलट मुझे तिरछी नजरों से देख रहा है। कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया लेकिन फिर मैंने झाड़ दिया। क्यों पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। फिर क्या हुआ? मनाली पहुँचते ही मैंने उस कमल की ठुकाई की। कमल कौन? अरे वही जिसकी पैंट उतार के तुमने पीटा था। अच्छा लेकिन असल मजे की बात कुछ और है राज। गेस अवार्ड फंक्शन का चीफ गेस्ट कौन? कौन? करण सिंघानिया। वो हेलीकॉप्टर का ओनर? अरे वो ओनर ही हेलीकॉप्टर का पायलट निकला। क्या बात कर रही है? यार राज मेरे तो होश ही उड़ गए। जब ऑर्गेनाइजर ने उसे स्टेज पर बुलाया और वो सामने आकर खड़ा हो गया। मिस काजल इस प्ले की डायरेक्टर भी यही है एंड आवर चीफ गेस्ट मिस्टर करण सिंघानिया। आई होप आप मेरी सिफारिश मेरे बॉस से जरूर करेंगे। मिस्टर ईश्वर सिंघानिया। दिस इज फाउल एब्सोल्यूट ब्लेटेंट फाउल। आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप ये नहीं बता सकते थे कि आप ही करण सिंघानिया हैं? आपने बोलने का मौका कहां दिया? मतलब मैंने आपके मुंह पे टेप चिपकाया था क्या? Oh my God! और मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मुझ पर एहसान किया लेकिन दिली दिल में आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था बल्कि anyway, forget it. I'm sorry कि उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला। अरे झूठ कहाँ बोला? The fact is कि आप तो दोस्त बन गई हैं करण सिंघानिया की। क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ?
क्या मैं आपको वापस शिमला छोड़ सकता हूँ? जी नहीं, मैं शिमला वापस जा ही नहीं रही हूँ। मैं वापस अपने घर जा रही हूँ देहरादून। वो तो रास्ते में ही पड़ता है। Really? और वाकई करण मुझे यहाँ तक छोड़ने आया। और जब हमारा हेलीकॉप्टर ग्राउंड पे उतरा तो सारे के सारे लड़के दौड़ आए, मनजीत, अनुराग, रमन, और सारे आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। और जब मैंने करण से थैंक यू कहा तो उसने कहा, अरे यहाँ तक पहुँचाया है, कप कॉफी भी नहीं मिलाओगी। तब हमने मनजीत की साइकिल ली घर वापस जाने के लिए। यहाँ तो बड़ा रुआब है तुम्हारा। और नहीं तो क्या, सब दोस्त है मेरे। इनमें से कोई खास दोस्त भी है? है ना, लेकिन अभी वो एफओएस की ट्रेनिंग के लिए गया है, राज नाम है उसका। राज? He's my best friend. बचपन से दोस्ती है हमारी। He's a great guy. So simple and so unassuming. बहुत चाहता है मुझे, जान छिड़कता है मुझ पे। जब हम घर पहुँचे तो मम्मी पापा तो हक्के बक्के रह गए करण को देखकर। करण ने भी सबका दिल जीत लिया। वो सबको बहुत प्यार से मिला। उसने बीजी, मम्मी, पापा सबके पांव छुए। और तो और, जीआई जो के भी। बीजी के घुटनों के दर्द के लिए उसने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बताए। डैडी के कैंटीन के लिए लेफ्ट ओवर से बनने वाली एक इटालियन रेसिपी बताई। और मम्मी के साथ तो किचन में घुस के खुद पतोड़ियाँ बनाई। ये लीजिए अंकल। वाह बेटे वाह, इतने सालों से मैं पता ही नहीं चला कि घर के बाहर इतनी अच्छी पत्तियाँ उगती हैं। पकौड़ियों के लिए? पतोड़ियों के लिए। हाँ हाँ, पकौड़ियों के लिए। अरे नहीं आंटी, पतोड़ियों के लिए, पत्तों से बनाए वो वर्ड पतौड़ी। और फिर करण के इनविटेशन पे पापा उनके घर भी जाकर आए। जब वापस लौटे तो बोले कितने बड़े लोग, लेकिन कितने भले और कितने सीधे, यकीन ही नहीं हुआ। और फिर एक दिन ना राज, करण मुझे अपने साथ फ्लाइंग क्लब ले गया, जहाँ उसके सारे जहाज लाइन में खड़े हुए थे। बोलो कौन से जहाज में बैठोगी? वो रेड वाला क्या कहलाता है? वो सेसना 172। उसी में। चलो। वो मुझे उसी बड़े जहाज में बिठाकर बादलों के पार उड़ा ले गया। क्या नजारा था, तुम सोच भी नहीं सकते। सच राज, मैंने पहले कभी ऐसे बादल नहीं देखे थे। और फिर उसने कहा, काजल, Will you marry me? तो काजल तुमने क्या कहा? क्या कहती? मेरा दिल धक-धक कर रहा था। सच, उस वक्त तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने सोचा काश मेरा राज यहाँ होता तो मैं उससे पूछ के फौरन जवाब दे देती। मैंने करण से भी यही कहा। क्या कहा? कि राज से पूछे बगैर मैं हाँ या ना नहीं कह सकती। काजल, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो तुम करण से शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन तुम एक बार उससे मिल तो लो, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मिलोगे तो ना कह ही नहीं पाओगे, सच्ची। अच्छा, मैंने तो तुम्हें अपनी शादी की बात बता दी, अब तुम कहो तुम्हें क्या कहना था। अरे मुझे भी तो तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी थी। अच्छा, कब मिल सकते हैं उसे? सच? आई लव यू राज, आई लव यू। मी टू। उससे आज के आज मिल लेंगे। अरे आज के आज छोड़ो, अभी के अभी मिल लेंगे, चलो। क्या हुआ? फ्रेश हो के आती हूँ। मिस्टर राज। करण। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। कम हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। काजल आपके बारे में अक्सर बातें करती रहती है, बहुत चाहती है आपको, बहुत मानती है। जी मैं जानता हूँ। मेरी जिंदगी अब आपके हाथ में है सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, एक अच्छे घर का हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ काजल को होने नहीं दूंगा। मैं, मेरे घर वाले, हम सब काजल को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आई प्रॉमिस सर। मैं सच कहता हूँ सर, मैं काजल से बेहद प्यार करता हूँ। हालांकि वो भी मुझे चाहती है, पर मैं तो उसके बगैर जी नहीं सकता ना, ऑनेस्ट। अगर काजल मुझे नहीं मिली ना तो मैं तो मरी जाऊँगा। सो प्लीज 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 सर, आप मुझे अप्रूव कर दीजिए, वरना आप काजल मुझसे शादी नहीं करेगी। सर काजल के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे कहीं ब्राइट तो नहीं कर रहे हो राज को? वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। करण से अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अरे सरजीत, थैंक यू सो मच। राज Yeah.
तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है, हो 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 हो। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। कहम है मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को ऐसे दिलबर पे भी नाज होता है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। मुबारक समा है खुशी का जहां है, ये दिन कोई तो नया गुल खिलाएगा। नजर से बयां है ये उदासता है, चाहत को कैसे कोई भी छुपाएगा। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। पार्टी छोड़ के क्यों चला गया? आप जवाब क्यों नहीं देती? बोलिए, आपको मेरी कसम। अब तुम्हें क्या बताऊं? राज तुमसे बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता था वो तुमसे। यूं ही खुशी के हैं। You know I'm so happy that Shut up।
Just shut up. तुमने पहले कभी कुछ कहा क्यों नहीं? क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार कहने की जरूरत ही महसूस नहीं की, सोचा कि तुम्हें खुद ही दिखाई दे जाएगा। Oh God, किसी ने ठीक ही कहा है, जो किताब आंखों के बहुत ही करीब होती है उसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं काजल। एक बात बताओगी? क्या? अगर मैं तुमसे पहले कह देता तो क्या तुम्हारा जवाब हां होता? अब क्यों पूछ रहे हो राज? क्योंकि ये जाने बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। जानकर भी नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि मैं खुद नहीं जानती। पहले सोचा नहीं था, अब सोचूंगी तो पाप करूंगी। पर ये मत समझना कि मैं चली जाऊंगी तो मैं कुछ देखूंगी नहीं। तुम अपने आप को दुख दोगे तो मुझे भी दुख पहुंचेगा, इतना याद रखना। राज, किसी इंसान के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। और अगर कोई जाने वाले के नाम का बहाना लेकर अपनी जिंदगी तबाह करता है तो वो अपने प्रेम का ही नहीं बल्कि उसका भी अपमान करता है जो चला गया है। मैं जानती हूं तुम मेरा अपमान नहीं करोगे। अपना ख्याल रखना, संभाले रखना खुद को। गुड बाय। Parachute completely. Raj, right. तुम्हारे भैया भाभी तुमसे मिलने आए हैं। I'll just come back. Hi. Hi, Raj. Hey, Raj. भैया. Good to see you. Bless you. Bless you. How are you? First class, भैया. आज आप लोग यहाँ कैसे? भाई एक सेमिनार से लौट रहे थे, सोचा तुम्हें मिलते चले। एक बात बताओ ऑफिसर, घर न आने की कसम खा रखी है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ काम इतना रहता है कि बस। Cut the crap, हाँ? अगले वेकेशन में तुम चुपचाप घर आ जाओ, वरना तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगता यार। Hey, come on भैया। अरे किरण, वो पिन्नी के डब्बे लाए थे। गाड़ी में है। मैं लेकर आता हूँ। जी। असली चीज़ गाड़ी में छोड़ा करो। तुम जरा कान खींचना इसके अच्छे तरह। जी। बैठो ना भाभी। तुम्हें पता है ना राज, तुम्हारे भैया ने अपना तबादला नैनीताल इसलिए करवा लिया ताकि तुम्हें देहरादून ना आना पड़े। मैं जानता हूँ भाभी। तुम्हें पुरानी बातें याद ना आए, तुम्हें दुख न पहुंचे, और तुम उन्हें ही दुख पहुंचा रहे हो। न घर आते हो, न मेरी चिट्ठियों का जवाब देते हो। भाभी आप भी तो एक ही बात चिट्ठी में लिखती रहती हैं,
शादी कर लो, शादी कर लो, मुझे नहीं करनी है शादी किसी से। भाभी अच्छा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहती हैं। प्लीज ये आंसू बंद कर दो, पहुंच लो इन्हें, सारे दोस्त देख रहे हैं मेरे। तुम पलट तो नहीं जाओगे ना राज? जिंदगी में अब और क्या पलटना। राज ये रही पिनिया, अब ये बताइए कि आपके वापस आने की डेट सेटल हुई कि नहीं? ऐसा है भैया कि 6-8 हफ्ते के लिए मैं जरा यूरोप जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सी हैरियर की ट्रेनिंग है, जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस ऑफिसर्स प्रॉमिस। Today, have a nice weekend. यार इतने दिन हो गए foreign country में आए हुए, क्या फायदा? क्या मतलब? किसी अच्छी जगह तो गए नहीं? मतलब मेमे से में रंग रोगन है जी? बिल्कुल यार, चलो यार, 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 यार कोई हंगामा होना चाहिए। चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, चलते हैं आज डिस्को में। हाय वाओ, ये भी ना बात, अंदर से दिल जनाब का भी छलांग लगा रहा है। पकड़ा गया ना बच्चू, अर्ज किया है, इसे कहते चोर की झाड़ी में तिनका। अबे दाढ़ी में सब देख रहे यार। Dance? No, thank you. Come on, Monty. आज कुछ नया ट्राई करते हैं। By the way, happy new. I'm so sorry. ये क्या कर रही हैं आप? I'm sorry. आप देखिए ना। What the hell are you doing? आज क्या हुआ कि मेरे को चढ़ी हुई है ना, मैं क्या करूँ? जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है। आपको नहीं चढ़ी क्या? पटी जेब। Excuse you. What the? तुमको मालूम नहीं है? आजकल ये सब फैशन में है। Excuse me, ये मेरा अरमानी जैकेट है यार। अब अरमानी हो गया, typical सिंधी जैकेट। Hey, come on, let's go. Jia, come on, don't waste time with him, Jia. Come on, let's go. Never mind. Mister, never mind. Let's go, shake on the floor. अपने घर का नंबर मैं आपको जैकेट भेज दूँगा। Monty, छोड़ो ना, तुम मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटे हो, तो ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। Monty, I'll kick you, Monty. छोड़ो। Get off me. मैं देखो मारूंगी अभी देखो। गाड़ी लाइए। यप कहाँ है गाड़ी? यप कहाँ है गाड़ी? आई डोंट नो कहाँ है गाड़ी। चाबी कहाँ है? चाबी तुम्हें चल गई है क्या? आई थिंक यू ड्रंक। क्यों? यू ड्रंक क्योंकि अगर गाड़ी नहीं है तो चाबी का क्या करें? अच्छा आप दूर रहिए। लाइए चाबी दीजिए, मैं आपकी गाड़ी ढूंढ देता हूँ। हाउ बोरिंग। ये लो। बट आई एम नॉट। ये ओ मिल गई, चलो। वाह तुम इंटेलिजेंट हो, तुम तो दो चीज हो,
बहादुर भी हो, इंटेलिजेंट भी, अरे और तुम्हें तो चरी भी नहीं हुई है। यू नो जब कुछ लोग पीते हैं ना तब उनको चढ़ जाती है, होश ही नहीं रहता। Excuse me, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? ए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो इनके साथ जा रही हूँ। What? ए फटीजेब, Come on man, let's fight. जो जीतेगा वही जिया को ले जाएगा। Come on, आप जीते, ले जाइए लड़की को। ए, fight, fight, fight. Come on man, come on, fight like a man, come on. ओए, होना बे कबाब मत चट्टी। हट्टी, हट्टी। हाँ हाँ, वही वही। You carry on darling. Okay. La la la, मैं चली। मैडम जाना कहाँ है आपने? जहाँ जी चाय ले जाओ। आपका एड्रेस क्या है? ओ यस, उधर से ना तुम स्ट्रेट स्ट्रेट जिया, यहाँ से नाक की सीट में स्ट्रेट चलते जाओ, स्ट्रेट। मोंटी, भैया आ गए। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। I'm flying, let's race, come on, come on. जिया, मोंटी भैया, बैठ जाइए, लग जाएगी आपको, बैठ जाइए। जल्दी आप, जल्दी जल्दी। That's my girlfriend. Come fast, come fast. बैठ जाइए। मैडम मेरी बात सुनिए, फिसल जाएंगी आप। कहाँ आपका घर? सुबह तक तो यहीं था। कहाँ? यहाँ पर था। शायद बाहर आई होगी ना, डूब गया। चलो अच्छा हुआ। तुम तीन चीज हो, बहादुर भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और हैंडसम भी। Drinking is bad for health. आपको अपने घर का पता मालूम नहीं था, इसलिए मुझे अपने घर लाना पड़ा। आपके कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए अपने पहनाने पड़े, वरना आपको निमोनिया हो जाता। आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर आयन करके टांग दिए हैं, बाएं देख लीजिए। भूख लगी हो तो फ्रिज में दूध है, ब्रेड बटर भी रखा हुआ है। और हाँ, टोस्टर मत चलाइएगा, शॉक लग सकता है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, चाबियां कंप्यूटर के पास रख दी गई है। गुड बाय राज। Handwriting से तो बहुत intelligent लगता है। Hey girls, look at the size of his shirt. He seems so tall. Hey, tell me, शक्ल सूरत कैसी है? बहुत handsome है। Oh my God. Thank God, he came in the nick of time. Hey, otherwise hey, you would have been in trouble. उसने और क्या किया? Come on. कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं किया? किस वजह से किया होगा? कुछ नहीं। वो ऐसा है ही नहीं। How can that be? कपड़े बदले तब भी कुछ नहीं किया। तभी भी नहीं। How would you know? You were drunk. Completely wasted. Oh, shut up. Hi. ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? मैं तेरी जगह होती तो शादी कर लेती उसके साथ। क्यों? मैं हूँ ना? By the way, thank you for your suggestion. Gia, you must thank him. Yeah. Good morning, sir. Yeah. Okay, for Mr. Raj. Thank you.
घर पहुंचकर जब होश आया तो एहसास हुआ कि एक बहुत कीमती चीज आपके यहाँ भूल आई हूँ। मिल जाए तो नीचे लिखे नंबर पर फोन कर दीजिएगा प्लीज 6399400। जी हाँ। अब कौन सी चीज रह गई उसकी? हेलो, आई एम सॉरी, आपकी कोई ज्वेलरी मेरे घर पे नहीं है। हो सकता है उससे भी कोई कीमती चीज रह गई हो। क्या मतलब? मतलब मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई ना। थैंक यू बोलने के लिए मिलना चाहती हूँ। देखिए, इसकी जरूरत नहीं, आप मुझे बुके भेज चुकी हैं। थैंक यू हो गया है, अब आप भूल जाइए। ओके, भूलने के लिए भी तो मुलाकात की जरूरत होती है। प्लीज घर आइए ना। देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है। ओके बाय। हेलो, नो प्रॉब्लम, आई विल गेट यू बेबी। हाय बॉय, वुड यू प्लीज कैरी ऑन। What's your problem? What's your problem, man? Are you dumb? Short-sighted? Wait a minute. Excuse me. Yes? What do I look like? Are you so beautiful? Thank you. देखा तुमने? और तुम्हें विश्वास नहीं होता. Excuse me. What do you think I look like? Very sexy. I know. You lucky bugger. Hey, who do you call lucky? कोई है कि मुझे sexy बोलता है. कोई है कि मुझे beautiful बोलता है. तुम्हें कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? आँखें खराब हैं या कोई और problem है? Listen, I don't have time for you. Hey, but I can wait. Then keep on waiting. हाय 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 अकिया जी, हमसे पूछिए आप कितनी सुंदर कितनी सेक्सी हैं। इसे क्या पता, नाच न जाने बैंगन टेढ़ा। अबे बैंगन टेढ़ा, आई नो यार, दिस समथिंग लाइक दैट। द जियोमेट्रिक कोनिक कैन बी मैथमेटिकली मॉडिफाइड बाय प्लेसिंग द पैरेलल्स यूजिंग द ऑर्थोमॉर्फिक फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग देम एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। दिस वुड प्रोड्यूस अ स्ट्रिक्ट ऑर्थोमॉर्फिक projection. But as you all know that in our training we are primarily interested in as I was saying that in our training we are primarily interested in the orthomorphic based on the two standard parallel pay attention boys as I was saying on the two standard parallel Raj. Yes sir. Go and solve the problem. Right sir. Hi. What do you want? तुम चाहती क्या हो? एक मुलाकात। Why? One date. क्यों? Why? आज मेरा जन्मदिन है। घर पे डिनर के लिए आओ ना, साथ में खाना खाएंगे। प्लीज तुम आओगे ना? ओके ठीक है। मेरे घर पे। छुआ छुई नहीं। सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बस बस। सॉरी सॉरी सॉरी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, इट्स माय बर्थडे। यस। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। उस इंतज़ार से क्या गिला जो तेरे दीदार पे ख़त्म हो? अभी तो आपको कोई शिकायत नहीं। ये मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे शिकवा करूँ? आप होना चाहते हैं बेवफा? हो जाइए। आपके कदमों पर लाकर रखती है दिलो जान। मेरी मोहब्बत की दुनिया के खुदा हो जाइए। लाइट चली गई, मैं चलता हूँ। नेवर माइंड, आ जाएगी। इन चिरागों के बुझ जाने का गम ना कर, ये आंखें जलेंगी रात भर। क्यों आग के साथ खेलना चाहती हो? जल जाओगी। हम तो एक कतरा है मोम का, हमें खुद में शामिल कर लो, आग बना दो। अपनी सांसों की गर्मी से हमारे जिस्म को भर दो, हमें रूह तक चला दो। इस कदर परसों आज हम पर, हमारी परसों की प्यास बुझा दो। आएगा मजा अब बरसात का।
कहना सावन का महीना, क्या कहना बारिश में पसीना, क्या कहना मेरे होठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है, जब खटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जान मन तरसती है। दिल में बसा ले देर न कर, सीने से लगा ले देर न कर। बड़ी बेचैन हूँ मेरी जान मैं कल परसों से, था मुझे इंतजार इस दिन का बरसों से, अब जो रोकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊंगी, और तड़पाएगा दिलदार तो मर जाऊंगी। सपनों में तुम लोगों ने डरा के भगा दिया। आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड। हाँ, तुम भूल जाओ उसको। हम भूलने वालों में से नहीं। I'll get you, baby. Hi everyone, how are you? राज कहाँ है? तुम लोग चुप क्यों हो? राज कहाँ है? कहाँ है राज? आप क्या चाहती हैं? कि हम अपने दोस्त का राज खुद ही खोल दें? क्या मतलब? यानी पूजा बेदी लंका ढाए। घर का भेदी रौनक। I know, यार, oh, some kind of बेदी। कहाँ गई? राज। वैसे अगर आप इंसिस्ट करती हैं तो बता देता हूँ। राज इंडिया चला गया। He's gone to India। इंडिया? Why? वैसे कुछ काम था, जाना पड़ा। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। है। Shut up। राज। अबे गई वो। अर्थ किया है? जिस बला को आप कई दिनों से नहीं टाल पाए उसे हमने एक ही बारी में डाल दिया। अब आपकी हफ्ते भर की ट्रेनिंग रिलैक्स। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 चमार की। अरे वेरी गुड यार। वैसे पहली बार तूने अपना मुहावरा सही बोला। ये है लंदन का बकिंगम पैलेस और ये पापा चाचू आ गए। ये चाचू ए शली शली ए राज हेलो भैया। अरे राज यस ऊपर नहीं यार ये सामने वाले कमरे में चले जाओ। क्यों भैया मेरे कमरे में क्या हुआ? नहीं वो क्या है कि वी हैव केप्ट अ पेइंग गेस्ट।
क्यों मेरे कमरे में पेइंग गेस्ट क्यों रखा? राज वो रूम तो पैसे भी बंद रहता था ना, तुम्हारे भैया सुबह कॉलेज चले जाते, मैंने कुछ ट्यूशंस ले रखी है। शैली घर में अकेली बोर होती रहती थी, इसी बहाने उसे एक अच्छी कंपनी मिल गई। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। चलो अच्छा शैली को कंपनी। नमस्ते जी। मैंने तो सिर्फ एक्सप्रेशन दिया था, इसका मतलब ये नहीं आप मुंह खोल कर देखते रहो। राज तुम यहाँ कैसे आ गई? वो जी पहले मैं हवाई जहाज लेकर आई और फिर मैंने ट्रेन ली, ट्रेन के बाद मैंने बस ली और बस के बाद जब मैं ऑटो लेकर आई तो इतने झटके पड़े मैं क्या बताऊं। तो तुम इसे जानते हो? हाँ भैया मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अजी कहाँ अच्छी तरह, अच्छी तरह जाने से पहले आप तो इंडिया आ गए थे ना। अरे तो क्या कोई बात नहीं भाई, अब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगेंगे। जी भैया। ये आपको भैया बोल रही है? अरे तो क्या हुआ, सुखी रहो हैं? बहुत अच्छी लड़की है राज, इतने साल विदेश में रहने के बाद भी अपने देश की संस्कृति नहीं भूली, हम सबका दिल जीत लिया इसने। संस्कृति सारा देश बेच खाएगी। ना ना ना। तुम मेरे घर क्यों आई हो? मैं तुमसे मिलने आई कुर्ता देने के बहाने, भैया से झूठ बोली, आओ खेलो। शट अप, जस्ट शट अप, तुम्हारी यही हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? लेकिन भाभी को तो पसंद है ना मेरी हरकतें भी और मैं भी। क्योंकि उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं पता। हाँ? बता दूं, डिस्को में किस हालत में मिली थी तुम मुझे, नशे में टून। बता दो बता दो, और फिर ये भी बता देना कि तुम उठा कर मुझे घर पे ले गए थे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे, मुझे अपने बिस्तर पे लिटा दिया था और फिर ना जाने क्या क्या किया था, मैं तो होश में नहीं थी और फिर ये सारा कुर्ता दे दिया था मेरा तन ढकने के लिए, और ये कुर्ता प्रूफ है मेरे पास। भाभी आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं तुम्हें? अरे बच्चू अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। एयरफोर्स एयरफोर्स बिगड़ेगी तो दोनों की बिगड़ेगी। क्या बिगड़ेगी? हाँ क्या बिगड़ेगी? दे मेरा कुर्ता, दे मेरा कुर्ता। राज जी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मैं वो इससे एक्सक्यूज मी, आप अपना कुर्ता फिर से छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपने कपड़े तो ले जा रहे हैं, मेरे तो छोड़ते जाइए। बदतमीज, ये ले। चलो साथ साथ चाय पी। राज आलू गोभी कमाल की है। एक काम करो भाभी, थोड़ी आलू गोभी डाल दो, नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे खामखा। ये लो। I just love this रुमाली रोटी, I really miss it. तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता, रोज खाने को मिलेंगी ऐसी रोटियां। अच्छा सुनिए जी, आप जो इसके लिए लड़की ढूंढने वाली थी उसका क्या हुआ? अरे मैं तो आज के आज ढूंढ दूं, पर ये मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा? शादी क्यों नहीं करेगा, अरे गधे की टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं। लेकिन एक शर्त पे करूंगा, खाना वो भाभी जैसा बनाएगी। राज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज पूरा खाना जिया ने बनाया है। क्यों आउट हो गए चाचू, क्लीन बोल्ड? बेटा चुपचाप खाना खाते हैं, बच्चे बात नहीं करते खाना खाते। भाभी ये कोई दाल है? हा? नमक भी नहीं है इसके अंदर, देखो खा के देखो। मिस जिया लगता कोई नहीं है, कहाँ है मेरी किताब? Hey you, तुम मुझे छुप छुप के देख रहे थे, बोलो हाँ कि ना? मैंने कुछ नहीं देखा। देखा है? मैंने कुछ नहीं देखा। Okay, I'm sorry. सॉरी बोलने से कुछ नहीं चलेगा मिस्टर। तो बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। लेकिन मैंने कुछ देखा ही नहीं। नहीं देखा तो अब देख लो ना। जी आप क्या कर रही है? भाभी 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 आगे, भाभी को बोल दो कि तुम मुझे नहाते हुए देख रहे थे। क्या? मैंने कुछ देखा ही नहीं और सॉरी भी तो बोला था मैंने। सॉरी वाली बोलने से कुछ नहीं चलेगा, बोलो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। ना ना हाँ हाँ के ना हाँ। अच्छा हाँ तो बोलो प्यार से कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो बस। भाभी आ गई। अब मैं कहाँ चुप हूँ? यहाँ 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 कैसे चुप रहता हूँ? ताल पकड़ ताल पकड़ ताल। जिया जी भाभी
जिया तुमने राज को कहीं देखा? नहीं तो भाभी, शायद वो अपने कमरे में होगा। नहीं वहाँ नहीं है, नीचे भी कहीं नहीं है। अच्छा वो शायद टॉवल में, मेरा मतलब बाथरूम में होगा, बाथरूम में होगा। ठीक है मैं देख। ओके क्या हुआ? सांस लेने में। आफ्टर ऑल तुमने कबूल तो किया कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। ए मजा आया ना? नहीं आया तो फिर से आ जाओ। क्या बदतमीजी है ये, तो मैं भाभी की वजह से मैं अंडर प्रेशर में आ गया था। अंडर प्रेशर में हो या अंडर स्ट्रेच में, तुमने कबूल तो किया। बदतमीज। I'll get you, baby. एक मिनट। हाँ चलो। ए टॉवल की औलाद, चल उतर। उतर, तुम नहीं आ सकती हमारे साथ, चलो उतरो। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ घूमने फिरने का। वो तो भाभी ने कहा था कि बाजार जाके करवा चौथ का सामान लेकर आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आसमान थोड़ी ना टूट पड़ेगा अगर मैं सामान नहीं लेकर आई तो। बस भाभी का व्रत पूरा नहीं होगा, अगर उनका व्रत पूरा नहीं हुआ तो वो भूखी रह जाएंगे, अगर वो भूखी रह जाएंगे तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, अगर गुस्सा आ जाएगा तो गुस्सा भैया पे उतारेंगे, और अगर भैया पे गुस्सा उतारा तो आज के दिन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मियां बीवी की लड़ाई में मेरा क्या जाता है? अरे जिया तुम लोग अभी तक गए नहीं, वो भाभी राज ने ना। बैठो बैठो जी। क्या कहा आपने? आइए जी, बैठिए जी, करवा चौथ का सामान ले लो। सो स्वीट। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? मेरी कमर से हाथ हटाओ। तो कहाँ रखूँ? अपनी कमर पे रखो। अगर मैंने पकड़ा नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। तो गिर जाओ। अगर मैं गिर गई तो सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा तो व्रत पूरा नहीं होगा, व्रत पूरा नहीं होगा तो भैया भाभी की लड़ाई हो जाएगी, और करवा चौथ के दिन अगर भैया भाभी की लड़ाई होगी तो। चुप ना यार, तू चुप ना यार, सारा टाइम बोलती रहती है, चुप बैठ। उतरो। एक बार चढ़ गए तो उतरते नहीं। हटो, जाओ शॉपिंग करो, चलो हटो। मैडम वो लोग तो गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। चले कहाँ? दिल्ली जा रहे थे, सबको बीच में ही रोक लिया। चलो ऐश करते हैं। How dare you touch me, you dog? Stupid man. Dog? You bitch? ले चल इसको, चल चल चल, गाड़ी पे डाल इसको। चाचू दीदी, राज ले जा रहे मुझे, राज छोड़ मुझे। अरे छोड़ ना, छोड़ मुझे, अच्छे से ले। क्या हुआ? क्या बे हीरो क्या तू? हाँ चल जा इधर से, चल ले उसको। अंकल को रोक ले, नहीं तो मेरा दोस्त मर जाएगा बेटा। तुझे मारना है ना, ले मुझे मार, ले ले। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। शौक है ना तुम लोगों लड़कियों को छेड़ने का? Yeah!
नहीं चाहती, ये मर जाएगा, बस करो। चले भैया, तो उठा अपनी। थैंक यू भाई साहब, लेके जा अपने बाप को। जल्दी उठा यार। मुझे मालूम था कि तुम मुझसे प्यार हो गया, वरना मेरे लिए इतनी डिशुम डिशुम फाइटिंग क्यों करते? बोला हाँ कि ना? Shut up, just shut up. It's not funny anymore. तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से उस आदमी ने शैली को, वैसे तुम्हें कुछ बोल के कुछ फायदा तो है नहीं, तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ जाने वाला नहीं है। न तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, न दूसरों की। जाइए जाके शॉपिंग करिए, कोई तो काम ढंग का करिए, जाइए। क्या बदतमीजी है, हद होती है हर बात की। गेट लॉस्ट। आउट। ये तुमने क्या किया राज? ठीक ही किया भाभी, मजाक बना रखा था उसने। मजाक उसने नहीं, तुमने बना रखा है। लेकिन भाभी उसने भी व्रत रखा था, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है वो, और तुमने उसकी पूजा की थाली उठाकर फेंक दी। ये व्रत औरतें अपने पति के लिए रखती हैं भाभी। हाँ, और जिसे अपना पति मान लेती हूँ उसके लिए भी रखती हैं। मुझसे पूछकर ये व्रत रखा था जिया ने। भाभी आप इस लड़की को नहीं जानती, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, पागल है ये लड़की। बस राज, बस सब कुछ पता चल गया है हम सबको, एक एक बात बता दी है उसने हम लोगों को। तुमने तो बड़े कन्वीनियंटली झूठ बोला कि तू इंडिया चला गया है, मगर वो सिर्फ तुझसे मिलने के ख्याल से यहां तक चली आई। पागल नहीं है वो राज, बहुत प्यार करती है तुझसे, वो बहुत प्यार करती है। लेकिन भैया मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं राज, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे, तो यही है मेरी पसंद जिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता राज। क्यों नहीं हो सकता? माना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तू किसी और के प्यार को कामयाब नहीं होने देगा। और फिर क्या बुराई है जिया में, तुझसे कितना प्यार करती है वो। मम्मी, दीदी, चलती हूँ भाभी। जिया। अच्छा भैया। जिया। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई दरार पड़े। आपके साथ जो 8-10 दिन गुजारे बहुत अच्छे थे, उन्हें कभी नहीं भूलूंगी मैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना भाभी, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने शायद वो पाने की कोशिश कर दी जो मेरे भाग्य में ही नहीं था। अच्छा चलती हूँ भाभी, बाय शैली, टेक केयर। यू टू। पापा। अब कुछ नहीं हो सकता तेरे चाचू का बेटी। दीदी, बहुत जहर घुल गया इसके मुंह में। को रोक लो। हमने तो सुना जिनके अपने दिल टूटे होते हैं वो दूसरों का दिल नहीं तोड़ सकते। गलत सुना था। जिया, राज कुछ ऐसा मत कहते ना कि मैं सह ना सकूं। रुको, मुझसे ब्याह करोगी? बोलो हाँ कि ना। ये लो पानी पी लो। इसलिए मैंने दिया।
इश्क तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। इश्क तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। बसाएंगे हम मोहब्बत की लड़ियां, हंसी चंद घड़ियां, सनम जिंदगी से चुराएंगे हम। इसलिए मैंने दिल को रोका, इस चाहत ने हमको ठोका, इसलिए मैंने दिल को रोका। हम जैसे भी मरे, वो भी हम पे मरे, सोच के रात भर हम जगे। ओए 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 ओए, अल्लाह कर दे ना लगे किसी से, अल्लाह कर दे ना लगे किसी से, अल्लाह मम्मी बहुत ट्रेडिशनल है, देखना वो आरती लेकर खड़ी होंगी तुम्हारे लिए। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन टेल यू। हियर वी गो, ओह गॉड। कहाँ चले गए सब लोग? राम सिंह, क्या हुआ? बेबी, वो बोरानी ने क्या? ओह माय गॉड, सिंघानिया साहब, ये तीसरी बार आपकी बहू ने अपने आप को मारने की कोशिश की है। अगर ड्यूटी की नर्स ने सही वक्त पर नहीं देखा होता तो इस बार तो शायद हम उसे खो ही देते। ये क्या कह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा सिंघानिया साहब, लेकिन आगे चलकर अगर यही हाल रहा तो आपकी बहू को मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। पागलखाने? फिलहाल तो हम उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार वो संभल जाए और आगे चलकर ऐसी हरकतें ना करें। काजल, तुम्हारी भाभी मेरे बचपन की दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कभी होगा। आई मेट करण, एक बार मैं उसे मिला था, नाइस गाय, बहुत चाहती थी उसे, बहुत प्यार करती थी। भैया भी भाभी से बहुत प्यार करते थे, दे मेड सच अ ब्यूटीफुल कपल।
पता नहीं किसकी गंदी नजर लग गई उन दोनों को। वैसे हुआ क्या था? शादी को 2 महीने भी तो नहीं हुए थे, भैया और भाभी हेलीकॉप्टर में हमारे ऋषिकेश वाले फार्म हाउस जा रहे थे कि तभी एक्सीडेंट हो गया। हेलीकॉप्टर गंगा में जा गिरा, भैया तो बस वहीं चल बसे, लेकिन भाभी बच गई। मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए 4 महीने तक तो वो कोमा में ही पड़ी रही, बेहोश। और जब उन्हें होश आया और पता चला कि भैया नहीं रहे, वो तो एकदम पत्थर से ही हो गई। तब से उनकी हालत यही है, वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हैं। उन्होंने अपने दिल में एक वहम बैठा लिया है कि भैया की मौत की जिम्मेदार वही है, क्योंकि खराब मौसम में उन्होंने भैया को हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिद की थी। हम लोगों ने उन्हें कितना समझाया लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं, ना किसी की सुनती है ना मानती है। सुनेगी, जरूर सुनेगी और समझेगी भी, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। And I promise you, I will bring her back to life. She's resting. Let's go. भाभी, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। हाय, ये क्या तरीका हो दोस्तों से मिलने का? हाँ, ना हाय ना हेलो ना स्टूपिड। ए कम ऑन, मुझसे बात करो ना। काजल प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। काजल बात करो मुझसे, काजल। राज, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती जिया? इस तरह तो ये घुट घुट के मर जाएगी, दर्द पत्थर बन के बैठ गया इसके सीने में। हमें किसी भी हालत में इस पत्थर को पिघलाना होगा। दिल नहीं कर रहा मालती, बस करो। अरे मोंटी ना, यो यो जिया, तुम अकेली कैसे आ गई? राज कहाँ है? मम्मी वो हॉस्पिटल में ही रुक गए, भाभी के पास। अच्छा, भाभी के साथ? वो क्यों? चाचू वो भाभी के बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा कि वो तुम्हारा दोस्त है। मोंटी वो मंगेतर है मेरा, दोस्त वो भाभी का है। अरे हाँ, याद आया, करण की शादी में लड़का नाच गा रहा था, तुम तो थी नहीं, अमेरिका एग्जाम्स दे रही थी। करण ने ही से पहचान कराई थी कि ये काजल का बेस्ट फ्रेंड है। काजल तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? कि किसी इंसान के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तुमने ये भी कहा था कि चले जाने वाले के नाम का बहाना लेकर अगर कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करता है तो अपने प्रेम का ही नहीं बल्कि उसका भी अपमान करता है जो चला गया है। और तुम वही कर रही हो काजल, करण का अपमान। जरा सोचो, अगर वो कहीं है तो क्या तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होगा वो? काजल, 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 तुम चाहती थी ना कि मैं पायलट बनूं? लो, मैं बन गया पायलट। देखो मेरी तरफ, याद है तुम्हें मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा? So come on, let's go, let's get ready, let's catch the bloody plane, let's touch the sky. आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को ले जाएंगे जहां विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। मेडे, मेडे, मेडे। और एरोबैटिक करेंगे, शेव, शेव, शेव। स्ट्रैपिंग करते हुए हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है और ऊपर चले जाते हैं और हम अपने प्लेन को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 फीट ऊपर ले जाते हैं और स्टार्ट करके अपने प्लेन को नीचे लेके आते हैं।
आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को नीचे लाते हैं और हमारा दिल धक 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 करने लगता है और उसके बाद हम आसमान को पीछे छोड़ देते हैं और जमीन उठ के हमारे करीब आने लगती है और हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है और तेज हो जाती है और हम अपने लिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा लिवर आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है और हम जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं और धड़ाक करके हमारा प्लेन जमीन को लगता है। Look at me! Look at me! Look at the horse wheel! Come on, look at me! काजल बस संभालो अपने आप को। नहीं खोल लेने दो राज, अब तक मेरे पास वो कंधा नहीं था जिस पर मैं सर रख के रो सकती। बस तुम क्यों आए राज मुझे बचाने, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदगी के बहुत मायने हैं। बस अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैडम जूस। थैंक यू। तो अब मैं क्या समझूं कि तुम अपने आप को संभाल लोगी? संभाल लोगी ना? तुम तो इतनी समझदार हो काजल, तुम्हें मैं क्या समझाऊं? तुम अच्छी तरह जानती हो जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस लौट के नहीं आते, उन्हें बुला देने में ही अकलमंदी है ना? या तो पर पहले नहीं बिठाए जा सकते राज, तुम ही कहो क्या तुम एक पल के लिए भी मुझे भूल पाए? यस डॉक्टर। और उसके रिकॉर्ड्स चेक करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में मिलो। ओके डॉक्टर। हेलो जिया। ओह हाय। गुड न्यूज़। शी इज़ मच बेटर नाउ। वैसे फिजिकली थोड़ी वीक है बट शी विल पिक अप। थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे वो रूम में नहीं है, नीचे गार्डन में है। थैंक यू। हाय काजल। हाय राज। तुम्हारे लिए काजल तुम इस कुर्सी पर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों बैठी हो इस पर। या तो बचपन में जब मेरे पैरों पर ब्रेसेस लगे हुए थे और तुम कहती थी उठो उठो राज चलो भागो भागो, तुम्हें मेरी कसम है भागो, और मैं एकदम तेज भाग उठाता, याद है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें कहता हूं, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। चलो होल्ड माय हैंड, कम ऑन। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? भैया ने बताया? तो फिर किसने? इत्तेफाक ने। मैं जिया के साथ उसके मम्मी पापा से मिलने आया था, मेरी और जिया की शादी होने वाली है। क्या तो वहां क्यों खड़े हो स्टूपिड, आओ मेरे गले लगो। आज सचमुच तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया राज, बड़ी किस्मत वाली है हमारी जिया, बड़ी किस्मत वाली। अरे किरण कहाँ हो भाई? आई जी। क्या हुआ? भाई एक्सेलेंट न्यूज, अपने सिंघानिया साहब है ना? जी। उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्द ही अपने राज और जिया की सगाई कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। जानती हो किरण, ये जिया जो है ना,
ये अपनी काजल की सगी ननद है। जी, ये इतनी बड़ी दुनिया भी कभी कभी इतनी छोटी क्यों हो जाती? डेस्टिनी। मैडम, योर मेडिसिन। ये कौन सी गोलियां दे रही हैं आप? इन्हें नींद की सख्त जरूरत है और बिना गोली के इन्हें नींद नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जरूर आएगी, और वो भी अच्छी नींद आएगी। आज के बाद इन्हें बिना दवा की नींद आएगी। यस सर। ओके गो। ओके सर। चलो मैं आपको सुला देता हूँ, कम ऑन, उठो। आहिस्ते, वेरी गुड। नींद नहीं आ रही? तो आपको नींद नहीं आ रही, लोरी गा दूं क्या? तो गा दो ना राज। ये दिल की सदा है, मेरी ये दुआ है, जागूं मैं जागूं तुझे नींद आ जाए, लबों की हंसी दे तुझे रब खुशी दे, तुझ पे गमों की कभी आंच ना आए, टूट के जो जुड़ता है वो साज होता है। जी, क्या तुम भी वही देख रही हो जिया जो मैं देख रहा हूँ? जो तुम देख रहे हो मोंटी, मैं उससे कहीं ज्यादा देख रही हूँ। Well, तुमने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ तभी रेस जीतता है जब खरगोश सो जाता है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही होगा ना? डोंट वरी मोंटी, मैं नहीं सोऊंगी। Excuse me. It has been an amazing recovery, sahib. तो काजल ठीक है। मीना जी, बस भी कीजिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, हमारी बच्ची अच्छी हो गई है, और ये खुश होने वाली बात है, रोने वाली थोड़ी है। हाँ साहेब साहब, हमारी बच्ची के ठीक होने में ऊपर वाले की कृपा के साथ साथ हमारे होने वाले दामाद का भी। सिंघानिया साहब, दामाद आपके लिए होगा, हमारे लिए तो बिल्कुल बेटे जैसा है। अंकल, मैं समझती हूँ कि काजल भाभी को यहाँ से कहीं बाहर ले जाना चाहिए, है ना? चाहे वो देहरादून चले जाए, हवा पानी बदल जाएगा, इट विल बी चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? ये तो तुमने हमारे मन की बात छीन ली बेटी। सिंघानिया साहब, जिया की सगाई में भी थोड़ा वक्त है ना, अगर आप इजाजत दें तो हम अपनी बेटी काजल को थोड़े दिनों के लिए अपने घर ले जाएं। लेकिन भाई साहब, उससे पहले तो डॉक्टर की इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब के कहने पर ही तो जिया ने सजेशन दिया आंटी, राइट जिया? दैट्स राइट पापा। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? शुक्रिया सिंघानिया साहब। जिया जो कहाँ रह गया? या, मेरी नींद खुल गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान, ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया बताओ, कमाल हो गया भाई। कल रात को जंगल में एक शेर की शादी थी, और देखे देखे शेर लोग आए हुए थे, शेर 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 शेर, एक चूहा भी था पार्टी में, एक चूहा भी था और टिकट टूट पड़ा हुआ था। शेर ने कहा, चूहे क्या कर रहे हैं अबे, क्या कर रहे हैं, बाहर निकल, ए चिल्ला मत, शादी के पहले मैं भी शेर था। लेकिन जी आई जो गया, ये बताओ तुम इतना लेट क्यों आए हो? अब मैं लेट क्यों आया? अरे क्या बताऊं आपको, मेरी बीवी है ना, दरवाजे पे ताला लगा के चली गई, और मुझसे बोली 2 घंटे तक घर से खबरदार बाहर निकलना नहीं। वो क्यों पता है? कहती आज कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी घूम रही है मोहल्ले में। आप बताइए मैं कुत्ता हूँ? बाद में ब्रदर रामदास के साथ सर्कस गई थी देखने। आप मेरा बिल बना दीजिए प्लीज। शुभ शुभ बोलो भाई। क्या शुभ शुभ बोलो माँ जी,
एक दिन तो भर रही है, आप मेरा बिल बना दीजिए और आप वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी की शादी आप रामदास से ही करवाएंगे। रामदास के साथ ही क्यों? क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। किसी ने कहा है किसी से बदला लेना हो उसकी शादी करवा दो, उसको पता चले कि गर्लफ्रेंड में और वाइफ में कितना फर्क होता है। जब उसको चार चार घंटे बंद करके जाएगी ना तब पता चलेगा। ओ रामदास जी आजो। हाँ जी। मैं जानती हूँ ना तुम्हारी कोई बीवी है ना कोई रामदास। जी आई जो। बाबूजी मैं सारी जिंदगी एक झूठ पर दुनिया को हंसाता रहा कि मेरी एक बीवी है, पर मैं आज अपनी बच्ची को नहीं हंसा पाया। लेकिन बाबूजी अगर इसकी जिंदगी में खुशियां ना भर दूं ना तो मेरा नाम भी गिरता रिंदर जौनपुर वाला नहीं। अच्छा पिंकी स्टूपिड, नॉट यू यार स्टूपिड। मैं यहाँ पर हूँ तो फोन पर बात करिए। यार ही इज ट्रबलिंग मी यू नो। मुझसे बात करिए। हियर यू आर योर फेवरेट कॉफी एंड योर चॉकलेट बिस्किट्स, हैव देम। हां ठीक। थैंक यू पापा, गॉड ब्लेस यू बेटी। ये लो तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ गए। कम कम कम। अरे तुम लोगों के अपने घर में धरती नहीं है क्या? चले आते फ्री चाय और समोसे के चक्कर में। पता नहीं काजल बिटिया की आने की खबर किसने कर दी आप लोगों को। मुझे क्यों घूर रही हूँ, मैंने थोड़ी बुलाया इनको। अरे मैं क्यों, मैंने बुलाया आपको? मैंने बुलाया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काजल तुम्हारी बड़ी सही वक्त पर हो। हमारे कॉलेज का गोल्डन जुबली फेस्टिवल हो रहा है। हाँ काजल बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और हम वो पुराना वाला प्ले करने वाले हैं मालूम है। और इस प्ले को तुम ही डायरेक्ट करोगी? नहीं नहीं मुझे इस चक्कर में मत डालो। चक्कर में कौन डाल रहा है चक्कर में? देखो काजल के पास टाइम नहीं है कोई प्ले की बातें करना। क्या प्ले? वही प्ले क्या जिसमें इसको कुत्ते की तरह पड़ी थी? मोहब्बत और खुदा। काजल यू हैव टू डू इट, बी अ स्पॉट प्लीज। कम ऑन काजल, डू इट। गारत हुई है होंठ जिन्हें चूमने की सजा मौत है। मौत तो इनाम होती है मधु, सजा तो वो होती है जो जो। स्वीटी लाइन तो बताना यार। ये क्या कर रहा है तू कमल? याद है जब राज ये लाइन बोलता था तो कलेजा निकल आता था। अगर हमारे बीच राज होता तो आज प्ले कर। अगर ऐसी बात है तो लो मैं हाजिर हूँ। अरे राज तुम यहाँ कैसे? बोलो बोलो तुमको मैंने बुलाया। बोलो तुम्ही ने तो बुलाया मुझे। मैंने बुलाया। अरे राज वो जरा लास्ट वाला सीन करके तो बताना। अब कहा मैं थका आ रहा आया हूँ। अब ज्यादा भाव मत खाना हा? काजल को भी कंपनी हो जाएगी। कम ऑन प्लीज प्लीज डू इट यार राज। ओके फाइन कम। यस ये हुई ना बात राज, कम ऑन स्टार्ट एक्शन। ए मोहब्बत के फरिश्ते तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी मैं कैसे भूलूंगी। पतंगे की क्या कुर्बानी होती है, ये तो शम्मा की मेहरबानी है कि मरने से पहले उसे अपने रोशन होठों से चूमती है। गारत हुई है होंठ कि जिन्हें चूमने की सजा मौत है। सजा वो नहीं होती, सजा तो वो होती है जब इन होठों से दूर रहकर जीना पड़ता है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ नहीं बर्दाश्त। अरे ये तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है, क्यों हम इसे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता काजल। बहुत प्यार करता, बहुत प्यार करता हूँ काजल।
समझाया मानना
काजल रुक जाओ काजल, सच्चाई से कब तक और कहां तक भागती रहोगी? नजरें बदल गई हैं तुम्हारी, मन बदल गया है, सीमा लांघ रहे हो तुम। ये पाप है राज। ये पाप नहीं काजल, प्यार है। राज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बस करो राज बस, तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? ऐसी बात निकाली कैसे तुमने मुंह से जो नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन है काजल, क्यों? क्योंकि मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूँ और मैं इस परिवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। अब तक मुझे सिर्फ यही लगता था कि मेरी वजह से इनके बेटे का जीवन गया है। अब तुम चाहते हो कि मेरी वजह से इनकी बेटी की भी जिंदगी तबाह हो जाए? काजल मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। राज तुम अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने जिया के साथ शादी करने से इनकार कर दिया तो याद रखना मेरा मरा मुंह देखोगे तुम। काजल जिया, जिया हाय। तुम कब आई? क्यों नहीं आ सकती क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और काजल तुम्हारे बारे में। क्या है ना कि सगाई को सिर्फ 4 दिन बचे हैं और मैंने सोचा यहाँ आकर खुद भाभी को साथ ले जाऊं। नैनीताल फोन किया तो पता चला आप भी यहाँ पे हैं, और यहाँ आए तो पता चला बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। क्यों मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी बहन, तुम बड़े सही वक्त पर आई हो। पर भाभी आपके तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहो तो फिलहाल ये सगाई रुकवा दे। नहीं सगाई उसी दिन होगी जिस दिन का मुहूर्त निकला है, और बड़ी धूमधाम से होगी। तू चल जिया। काजल का ये हाल देखकर हमारा तो कलेजा फटता है बेटी, पर करें तो क्या करें, उदासी का कोई इलाज भी तो नहीं होता? होता है अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आप काजल भाभी की फिर से शादी क्यों नहीं कर देते? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमारा समाज आज भी विधवाओं की शादी को सम्मान नहीं देता, और जो लड़की एक बार सात फेरे ले चुकी हो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी तो नहीं मिलता। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं। लेकिन बेटी तुम हमारी बेटी के लिए खुशियां लाओगी तो हमें एतराज कैसे हो सकता है? बस तो फिर बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने तो काजल भाभी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का सोच भी रखा है। हेलो हेलो, ओ हाय जिया, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मोंटी तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुमने अपनी शादी का सूट बनवा कर रखा है? हाँ बिल्कुल। बस उसको ड्राई क्लीन करवा लो, उसको पहनने का टाइम आ गया है। रियली सच कह रही हो तुम? उछलो मत एक्सक्यूजी, जो कहा है वो करो। ओके बाय बाय। भाभी। अरे जिया तुम, भाभी देखो तो ये जोड़ा कैसा है? बहुत सुंदर है, जैसी हमारी जिया। बातें बहुत मीठी करती हैं आप। बस तुझे देखकर मुंह में मिठास आ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। एनीवे आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए। ये तो क्या कह रही है, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं विधवा हूँ जिया, मैं ये जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? किस जमाने की बातें कर रही हैं आप भाभी, ये सब पुरानी और बेकार की बातें हैं। जो भी हो समाज कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। आपको मेरी खुशी देखनी है या समाज की? तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर डालू जिया। तो बस आप ये जोड़ा पहनकर जरूर आएंगी, और यही नहीं आज तो सगाई की अंगूठी भी मैं आपके हाथ से ही लूंगी भाभी। नहीं देख देख तू मुझे मजबूर मत कर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप जल्दी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाइए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। आप मुझे अच्छी तरह से जानती है ना भाभी? राम सिंह ले जाओ।
जमाना आ गया आजकल का। जरा सा शर्म देखा आपने बुआ जी, नई लड़कियों को राम 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 क्या घोर कलयुग आ गया है। हाँ बुआ जी देखो तो सही क्या सच धज के आई है। आज के जमाने में धर्म कर्म का तो कुछ रहा ही नहीं। वही तो है ये करण की विधवा। क्या तो नाम है इसका? जी काजल नाम है इनका। और हाँ ये वही है, लेकिन आप लोगों को क्या कहना है खुलकर कहिए ना। कहना क्या है बेटी, इतनी सजधज इसको शोभा नहीं देती। अभी दिन ही कितने हुए पति को मरे। ये तो सही कहा आप लोगों ने, लेकिन आपका भी तो बेटा मर गया था पिछले साल। और कविता तुम्हारी बहन भी तो मर गई थी, और मिसेस खन्ना के तो डैडी नहीं रहे, लेकिन आप लोग तो बड़ी सजधज के आई है। वो बात नहीं है बेटी, विधवा के जीवन के नियम अलग होते हैं, यही तो हमारे समाज की परंपरा है। ओह आई सी, बड़े दोगले किस्म के नियम है आप लोगों के। अगर बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन अगर पति मर जाए तो सफेद लिबास पहन लेना चाहिए। क्यों मैं पूछती हूँ, क्यों ये नियम लागू होते सिर्फ हम औरतों पर, मर्दों पर क्यों नहीं? क्यों नहीं पहन के घूमते ये मर्द सफेद लिबास? वाह रे मेरे देश की परंपरा। चलिए अगर यही बात है तो आज से काजल भाभी विधवा नहीं, हम उनकी दूसरी शादी करवा देंगे। राम सिंह मोंटी आओ मेरे साथ, पहना दो एक दूसरे को अंगूठी। ये तो क्या कह रही है जिया, सगाई तो तुम्हारी और राज की होनी चाहिए। होगी, लेकिन पहले बड़ी बेटी की तो हो जाए, राइट पापा? बिल्कुल ठीक बेटा। काजल तुम हमारी बहू ही नहीं हमारी बेटी भी हो, और इसी नाते हमने समझा कि इसी में तुम्हारी भलाई है बेटी। हाँ बेटी, अभी तो सारी उम्र पड़ी है तुम्हारे सामने, और हम तो शुक्रगुजार हैं सिंघानिया साहब के और इनके इस नेक ख्याल के। बेटे ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, किसी ने मुझसे भी पूछा है कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ? क्यों भाभी, मोंटी में कोई कमी है क्या? जिया कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? क्या बकवास कर रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं, तुम्हें मेरे होने वाले पति राज से प्यार है। बस जिया प्लीज। हाँ काजल, क्या मैं पूछ सकती हूँ किस अधिकार से तुमने राज को अपने मरने का वास्ता दिया ताकि वो मुझसे शादी कर ले, और वो क्या वजह थी कि राज ये शादी करने के लिए तैयार हो गया? सब जानती हूँ मैं, सब सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगी कि तुम शादी मुझसे करो और प्यार इससे। बस बस करो जी, अब बस करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देख अगर तू चाहती है तो मुझे ये शादी मंजूर है। मोंटी मोंटी हाथ आगे करो, पहनाओ मुझे अंगूठी। रुक जाओ, enough is enough, होश में आओ काजल, किसी और की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। क्यों क्यों, दूसरी शादी करने से क्या जिंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों रोक रहे हो तुम इसकी शादी? क्या लगती है ये तुम्हारी, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि तुम्हें बीवी भी मिल जाए, रखेल भी बनी रहे? तुम जानना चाहती हो मेरी क्या लगती है, जानना चाहती हो? मेरी किसी को कुछ बोलना है? Anybody has problems? कुछ बोलना आंटी जी? हाँ बोलो। राज यही तो मैं चाहती थी, यही, इसीलिए मैंने मोंटी के साथ इस सगाई का झूठा नाटक रचा ताकि तुम सबके सामने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर सको। मैं तुम्हारे कंधे का बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे पंख बनना चाहती हूँ जो तुम्हें ऊंची आजाद उड़ान पर ले जाए। जिया बहुत बड़ी हो गई है तुम, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत गलत। I'm sorry कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना राज,
अनजाने में ही सही, पर बहुत दिल दुखा है मैंने काजल का। काजल मुझे माफ कर देना। फिर देर